कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा वीडियो पे। तो जो सबसे पहला ऐप है उसका नाम है गेमिंग जोन। अब गेमिंग जोन एक ऐसा ऐप है जहां आप गेम्स रिलेटेड वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप पबजी, GTA, लीग ऑफ लेजेंड्स, CSGO, फोर्टनाइट, वर्ल्ड वॉरक्राफ्ट, जो गेम आप सोचेंगे इसका वॉलपेपर वहां मौजूद है। और आप पॉपुलर सेक्शन में जा सकते हैं, आप रीसेंट सेक्शन में जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन से वॉलपेपर पॉपुलर चल रहे हैं। इसका फ़ायदा बाकी वॉलपेपर ऐप में ये है कि बाकी वॉलपेपर ऐप्स में आपके पास बेसिकली डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स होते हैं, लेकिन उसमें गेमिंग फोकस्ड वॉलपेपर्स थोड़े कम होते हैं, तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है गेमिंग से रिलेटेड वॉलपेपर ढूंढने में, या उसमें इतनी वैरायटी नहीं है। तो इस ऐप में गेमिंग वॉलपेपर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो आप इस ऐप को ज़रूर कर लें अगर आप एक गेमर हैं। अगला ऐप है उसका नाम है फ्लूइड सिम्युलेटर। ये एक ऐप है जो आप टाइम पास के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको फ्लूइड की जो सिमुलेशन है काफ़ी रियलिस्टिक किस्म की मिलती है। आप उस फ्लूइड की या आप उसकी एक एक टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज है आप उनको चेंज कर सकते हैं, जिसमें डिसिपेशन, रेडियस, बहुत कुछ चीज़ें शामिल है। और मज़े की बात, आप इस फ्लूइड सिम्युलेशन को वॉलपेपर भी बना सकते हैं एज अ लाइव वॉलपेपर। तो बहरहाल ये ऐप अच्छा लगता है वॉलपेपर के तौर पे, अगर लाइव वॉलपेपर की तरह यूज़ कर रहे हो। ये अगर आपने किसी बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है तो भाई उसको उसके मोबाइल में ही करके दो, वो लगा रहेगा सारा दिन। तो जो अगला ऐप है उसका नाम है यूनिवर्सल कॉपी। अब यूनिवर्सल कॉपी एक ऐसा ऐप है जिससे आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो कॉपी ना भी किया जा सके। अब इंस्टाग्राम में जैसे कॉपी नहीं कर सकते, यूनिवर्सल कॉपी को इंस्टॉल करें, आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे आप उसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें ऑन स्क्रीन स्कैनर भी है जिससे आप जो स्क्रीनशॉट लेंगे उस पर सारा टेक्स्ट जो होगा वो स्कैन हो जाएगा और आप सारे टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम में कोई कैप्शन नज़र आ गई है, आपने उसको कॉपी करना है, तो भाई ये ऐप है। और अगर आपने किसी पिक्चर में से भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है उस काम के लिए। तो जो अगला ऐप है उसका नाम माइंडली। अब मुझे नहीं पता लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ याद रखने की कोशिश करते हो तो ऐसा अक्सर होता है कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती और फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं रहा या इस तरह का। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मेन काम से और आपका सारा फोकस ख़राब हो जाता है वहाँ से। माइंडली एक ऐसी चीज़ है जो माइंड मैप्स क्रिएट करती है। जिनको माइंड मैप्स का पता है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप है, जिनको नहीं पता वो भी ऐप ट्राई कर सकते हैं। इस ऐप में बेसिकली ये है कि आपने अपना एक मेन काम करना है, आप कोई स्टडी मटेरियल भी चूज़ कर सकते हैं, आप कोई वर्क मटेरियल चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपने बबल्स क्रिएट करने हैं। उस बबल में मजीद बबल्स हो गए जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप अपने वर्क को कैटेगरीज और सब कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है ना वो आपका ईजी हो जाएगा और आपके जो वर्क है उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। आपको पता होगा कि आपकी हर एक चीज़ कहाँ मौजूद है, आपकी प्रोजेक्ट की जो एक एक चीज़ है वो कहाँ मौजूद है, और इस तरह आप जो स्टडी मटेरियल है उसको इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे याद करने में आसानी हो जाए। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आपके माइंड में चीज़ें ड्रिफ्ट करनी शुरू कर जाती है। तो जो अगला ऐप है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स या जो फोटो एडिटर्स है या जिनको अपनी कलर स्कीम बेहतर करनी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। ये है पैलेट। पैलेट ये करता है जो भी आप इमेजेस में सेलेक्ट करेंगे आपको उसके अंदर जितने भी कलर होंगे वो सब डिस्प्ले कर देगा कि इसमें ये कलर्स मौजूद है। फोटोशॉप में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ कलर पैलेट्स चाहिए जो आपके करते उस फोटो की स्कीम के साथ मैच करें, तो आप पैलेट से वो सारे कलर्स निकाल सकते हैं, फिर आप उन कलर्स को स्कीम के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बेहतर इंटीग्रेट करे उस पिक्चर के अंदर। लेकिन इसका नॉर्मल यूज़र्स में ही फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि आप अगर जनरल यूज़र है, आपने अपनी होम सेटअप जो मोबाइल का वो अच्छा करना है, तो जो वॉलपेपर आप चूज़ कर रहे हैं मोबाइल के लिए उस हिसाब से आप अपनी कलर पैलेट बना लें, पैलेट में वो वॉलपेपर डालें और साथ ही साथ फिर आप अपनी स्कीम को उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना सेटअप उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका तीसरा फ़ायदा भी है, इसके अंदर वॉलपेपर भी मौजूद है, तो अगर आपको अच्छे वॉलपेपर चाहिए तो उसमें काफ़ी अच्छे वॉलपेपर है। तो ये तो एक ही तीर में दो नहीं तीन शिकार कर गया। तो ये थे आज के ऐप्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी।